नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है नए व्लॉग के अंदर। आज है 16 मई 2022 मंडे का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। आज आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल्सो आज चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, मुझे नहीं पता इंडिया में दिखेगा कि नहीं, अभी तक मैंने चेक नहीं किया। और जो एकदम रेड ब्लड मून होता है ना, वो लगने वाला है। और हो सकता है अगर यहाँ पर इंडिया में दिख रहा होगा, मैं वही चेक करता हूँ जाके सबसे पहले, अगर दिख रहा होगा तो उसको मैं पक्का कैप्चर करने वाला हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने एक जो चंद्र ग्रहण लगा था उसको कैप्चर किया था, उसमें पूरा जो मून है एकदम रेड हो गया था, ब्लड रेड मून कहा जाता है उसको, बहुत सही कैप्चर हुआ था। बोला फिलहाल का सीन ये है कि अभी जस्ट मेरे पास में एक पार्सल आया है, एंड अमेजोन से मैंने फिलहाल तो कुछ मंगवाया नहीं था और आज कुछ डिलीवर भी नहीं होने वाला था। आई डोंट नो ये कि किसी ने भिजवाया है ये मेरे लिए। अनबॉक्स करके देखते हैं। तो बिल है, लेंस कार्ड के चश्मे हैं, लेकिन मैं तो चश्मे बनवाए नहीं थे अभी तक। ओके, दिस इज नॉट मेरे नॉर्मल ग्लासेस, ये सन ग्लासेस है भाई। लुक एट द कवर यार, कितना प्रीमियम सा कवर लग रहा है ये। ओ भाई, लेकिन ये भेजे किसने है? नाम तो मेरा लिखा हुआ है इसमें, एंड आई हैवंट ऑर्डर दिस। एक मिनट रुको। तो गाइस, राज खुल चुका है इन चश्मों के पीछे का। मैंने अभी फ़ोन किया था भाई को, क्योंकि नंबर उसी का लिखा हुआ था, और वहाँ से पता चला कि भाभी ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया है ये पोलराइजर ग्लासेस। भाई सब चेक करते हैं कैसे है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार देखने के लिए। मैं ऐसा सिमिलर सन ग्लासेस ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे पास एक भी सन ग्लासेस नहीं है, मैं यही वाले ग्लासेस लगाता हूँ। कुछ ऐसे दिखते हैं ये, लेट्स ट्राई दिस आउट। कैसे लग रहे हैं? मेरे को मिरर में देखना पड़ेगा जाके। वेट, ओ भाई साहब, क्या फिटिंग आई है, हीरो लग रहा है वो एकदम, कतई जहर। थोड़े बाल वाला थोड़े से बढ़ा के ना साइड से कट करेंगे भाई, खतरनाक लुक नहीं दे रही है? और ये वाले ना 100% पोलराइजर ग्लासेस हैं ये वाले। गाइज, ये एक्चुअल में बहुत सही ग्लासेस है। अभी मैंने धूप में जाके इसकी टेस्टिंग करी। आई एम इन लव विद दिस ग्लासेस। मतलब ऐसा समझ लो, इसके जो ग्लासेस हैं इसके ऊपर एक तरह से केमिकल लगा हुआ है जो रिफ्लेक्शंस को सीधा अंदर आने से रोकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी वाटर के पास हूँ, स्नो के अंदर हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली किसी बल्ब को देख रहा हूँ, तो उससे जो रिफ्लेक्शन आती है उसको एकदम मिनिमाइज कर देता है। अब जैसे ये वाला बल्ब है मेरे सामने, इसकी रिफ्लेक्शन आपको नॉर्मली दिख रही होगी, लेकिन मैं इस बल्ब को नेकेड आई से नहीं देख सकता, लेकिन ऐसे मैं देख सकता हूँ इस बल्ब को, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो खत्म कर दी। लेकिन नेकेड आई से देखने में मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है इस बल्ब को। उसके साथ साथ ही काफी ज्यादा लाइट वेट और कंफर्टेबल ग्लासेस है, मतलब मैं इनको काफी देर तक पहन सकता हूँ। कभी ट्रिप विप पे जाने का प्लान बना तो लेंसेस लगाकर जा सकता हूँ और इसको इजीली मैं कैरी कर सकता हूँ, और इसके साथ में थोड़ा स्वैग मारने में भी मजा आएगा। भाई लूनर एक्लिप्स तो ऑलरेडी हो भी गया सुबह सुबह 7 बजे, और मैं पागल हूँ, मुझे पता ही नहीं इस बारे में। मैंने सिर्फ कल सुना था कि आज लूनर एक्लिप्स है, मुझे लगा आज रात को होगा, लेकिन मैंने टाइम ही नहीं देखा उसका। और वैसे भी इंडिया में दिखना नहीं था, तो कोई फायदा भी नहीं है कैप्चर करने का, क्योंकि मून जो है नीचे होता है ना होराइजन के, इस टाइम पर जो लूनर एक्लिप्स दिखेगा मेरे ख्याल से, हाँ ये दिखा रहा ना, 8 नवंबर को एक और है, उस टाइम पर शायद हम कैप्चर कर पाए। एक पुराने एक्लिप्स की फोटो कैप्चर की थी मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे मिली तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो अभी मम्मी किसी घर गई हुई है, घर पे कोई है नहीं, तो मुझे लग रही थी प्याज, अब मुझे जूस बनाने में भाई साहब आ रहा है आलस। तो ये कल मंगवाई थी मैंने जियो मार्ट से मैंगो लस्सी है मदर डेरी की। यहाँ पर मेरे ख्याल से मदर डेरी का कोई बूथ नहीं है ना, अगर गंगानगर में है कोई मदर डेरी का बूथ तो आप मुझे बताना। यहाँ पर सरस और अमूल के बूथ तो मैंने देखे हैं, बट मदर डेरी का नहीं देखा। कुछ कुछ शॉप्स में मिलता है और जियो मार्ट के अंदर मिलता है, मेरी फेवरेट है ये। आपने कभी मदर डेरी वाली मैंगो लस्सी पी हो तो बताना मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर। बहुत टेस्टी है फ्लेवर्ड लस्सी में ना, एक सबसे बेस्ट लस्सी मैंने पी थी अपनी लाइफ की, सबसे बेस्ट। जोधपुर में गया था मैं, वहाँ पे मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ही एक नीचे रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो वहाँ पर मिलती है बनाना लस्सी। एक बार जरूर ट्राई करना अगर आप कभी जोधपुर साइड जाओ तो, मेरे को बहुत टेस्टी लस्सी लगी थी वो। इसको ख़त्म करता हूँ, काम चल रहा है साथ साथ। तो यहाँ पर मैंने ना आम को रख दिया पानी में डुबोकर, और आज सब्जी मैंने लिया, मम्मी तो अभी आई नहीं है, क्योंकि अब वैसे तो मैं सब्जी लेता होता था जब मैं दिल्ली में अकेला रहता था, लेकिन यहाँ पर जो है भैया अपने आप बढ़िया सब्जी निकाल के देते हैं। एक हमने भैया फिक्स किए हुए हैं, वो आते हैं दिल्ली और बढ़िया सब्जी मस्त मस्त वाली दे जाते हैं, ना कुछ ख़राब होती ना कुछ। और बस अब किसी ने नहीं आना, अब सीधा पापा आएंगे 2 बजे। अब मैं सब कुछ गेट वेट अच्छे से बंद करके बैठ रहा हूँ अंदर काम करने के लिए, डायरेक्ट 2 बजे उठूँगा, मम्मी आएगी, पता नहीं कब आएगी मम्मी मुझे।
मम्मी का भी फोन आया, मम्मी आएंगे शाम तक, मैं बना था रोटी क्योंकि पापा आने वाले अभी आधे घंटे के अंदर। सब्जी बनी हुई आज, यही की सब्जी बनी है, फटाफट से रोटियां बना लेता हूँ मैं। फिर छुट्टियां तो बस पापा भी आ गए अभी, और आज से पापा को हो गई है समर वेकेशंस। कितने देर दी? 30 जून, 30 जून तक, मतलब एक डेढ़ महीने तक पापा की छुट्टियां। मुझे फिर मतलब मेरे स्कूल की याद आती है जो पापा की समर वेकेशंस होती है। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ पर कुछ मस्त सा तो बना रहा हूँ। इसमें मैंने डाले हैं बोर्बन वाले 4-5 बिस्किट्स, एक आइसक्रीम का कप पड़ा था वो, थोड़ा सा मिल्क डाला है। कॉफी डालू या ना डालू असमंजस में हूँ इसमें, मेरे हिसाब से नहीं डालता हूँ, इतने से ही काम चलाते हैं। और पापा को मैंने दिया है अभी मैंगो लस्सी, थोड़ी सी डाल देता हूँ यार। जैसा दिख रहा है इसको जल्दी से करता हूँ ब्लेंड और उसके बाद पी के आपको बताता हूँ कैसा बना है। मस्त हो रहा है भाई, ये कॉफी डाल के मजा आ रहा है सही में। पासवर्ड गया 100। कुछ तो आया है खाने में। तो वैसे भी मम्मी पापा आ चुके हैं और बेहतरीन चीज मैंने मंगवाई थी वैसे पापा से, वो एक्टिंग कर रहा था, लेकर आया पापा राजस्थान की ऑथेंटिक प्याज की कचौड़ी। कमेंट्स में बताना नीचे कभी आपने खाई है या नहीं खाई। वैसे राजस्थान में जो रहते हैं उन्होंने तो डेफिनेटली खाई होगी, जो राजस्थान से बाहर से देख रहे हैं वो बताना कभी खाई है आपने या नहीं खाई। सबसे बेहतरीन कचौड़ी जो मिलती है ना दो जगह पर, एक बीकानेर में और दूसरी मिलती है जोधपुर में, और दोनों ही मैंने ट्राई कर रखी है, बहुत खतरनाक होते हैं। खासकर जोधपुर की घंटाघर के पास में मिलती है, मैं फटाफट से कचौड़ी खाता हूँ ये वाली। यहाँ पे अमृत मिष्ठान भंडार है, वहाँ से मंगवाई है मैंने ये वाली प्याज की कचौड़ी। दोस्तों रात के बज रहे हैं 9:30, इस वक्त टाइम हो रहा है डिनर का, और शाम को मैं थोड़ा काम करने लगे था, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया। अभी मम्मी ने बनाई है आज डिनर के अंदर कड़ी चावल, मज़ेदार सब्जी, पकौड़े वाली कड़ी है, साथ में सलाद है। पापड़ मैं सेकता हूँ, पापड़ सेकने का मेरा काम है, मम्मी को पापड़ सेकना सबसे मुश्किल लगता है। यही तो होता है। तो मैं भाई डिनर करता हूँ जल्दी से, और आज हो सकता है थोड़ा छोटा व्लॉग बना, अभी एडिट भी नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसा बना है। जैसा भी है आप लोग संभाल लेना, थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, कल आपसे फिर से मिलूंगा 9:00, तब तक के लिए नमस्कार। कभी कभी छोटा व्लॉग भी चलता है।